तो नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक रियल में। मेरा नाम सत्येंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं टेक रियल। टेक रियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप अपना वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आपने अपना वीडियो बनाया, अपने वीडियो बनाने के बाद आप चाह रहे हो कि जैसे चाह रहे हो क्या, काफ़ी लोग अपने वीडियो में म्यूजिक बैकग्राउंड डालते हैं, ठीक है। तो बाय द वे कई बार ऐसा होता कि हमारे वीडियो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उसको कैसे रिमूव करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है, तो आपको लाइव दिखाएंगे विद प्रूफ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो आप पहले तो जो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक जो डालते हैं वीडियो के, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो आप विदाउट कॉपीराइट वाले वीडियो को या ऑडियो को डाउनलोड करके उसमें डालें, ठीक है। अगर आपने बाई चांस डाल दिया है और आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को नहीं डिलीट करना चाह रहे, आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले इसमें प्रोसीजर मैं बताता हूँ हमारे वीडियो पर। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। तो जैसा कि मैं पीसी की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो यूट्यूब के लोगो पे आप क्लिक करें। यूट्यूब पे आने के बाद आप यूट्यूब के लोगो पे क्लिक करें, फिर जाएं योर चैनल पे। तो योर चैनल पे ओपन होने के बाद आप जाएं वाईटी स्टूडियो यानी कि यूट्यूब स्टूडियो पे। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ, वाईटी स्टूडियो ये है, इस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा तो मैं बताता हूँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और वाईटी स्टूडियो ओपन होने के बाद आप आएँ वीडियो मैनेजर में। तो जैसे कि मैं वीडियो मैनेजर में आ चुका हूँ, और वीडियो मैनेजर में आने के बाद आप पहले चेक कर लें आपको किस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो जैसे कि मेरे जो पहला वीडियो था, इसमें ब्लॉगिंग का जो मैंने वीडियो बनाया है उस पर मिला है। तो मैं जैसे कि स्क्रॉल डाउन करूँगा और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इस पर मैं हटा के और रिमूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस पर आप दिखाई दे रहा होगा सी का चिन्ह जो लिखा है कॉपीराइट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये सी का चिन्ह बना है, ये कॉपीराइट का आइकन होता है, इस पर क्लिक कर दें। और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कुछ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे बेसिक डिटेल्स है और सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपकी। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्लेम दिखाई दे रहा है और पॉलिसी दिखाई दे रही है, और मतलब कहाँ से कहाँ आपकी जो वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट में बता दूँ तो ये इसी को मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। ये टी सीरीज से मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला है, तो इसी को मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा पॉलिसी के बाद रिमूव सॉन्ग, तो इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे कि मैं कर देता हूँ, और नीचे आप देख पा रहे हो जैसे कि और एक और मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला, तो मैं सिर्फ टी सीरीज वाले को करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं ओपन करके अभी दिखाता हूँ, तो अभी कुछ जैसे कि ये वाला है, ये दिखाई दे रहा है आपको रिमूव सॉन्ग, तो इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो कुछ देर बाद ये विंडो ओपन होके आए तो मैं फिर बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और आपका जो वीडियो है कहाँ पे मतलब कहाँ पे आपको बैकग्राउंड में क्लेम मिला है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा वीडियो है आपको आइकन दिखाई दे रहा है लाइन, उसके नीचे एक छोटी सी डॉट लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ तक मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिला, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से ऑडियो अगर आप ऐड, और जैसे कि मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो आप सारी अपनी मतलब अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ना यानी डिटेल्स वीडियो की पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको, ठीक है, आप अगर आप अच्छे से रीड करके करें तो बेटर रहेगा। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और जैसे कि आप सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको दिखाई दे रहा है इरेज ऑडियो, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि टाइटल आ गया, ठीक है, और ये टाइटल आ चुका है। इसके बाद ये मतलब कि जो कंपनी ने हमें स्ट्राइक दी है या जो जिस कंपनी ने हमें क्लेम किया है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। तो जिसको आप रिमूव करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि मैं टी सीरीज वाले को रिमूव करके दिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो कि तुम ही आना ये गाना टी सीरीज से था, तो इस पर जैसे ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दें, यानी बॉक्स पर टिक कर दें। इसके बाद आपके सामने जो ये बटन इनेबल होकर आई है ईरेज, तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस प्रकार की परमिशन आपके सामने मांगेगा, तो आप पढ़ लें तो बेटर रहेगा। मेरे को जैसे कि मैं ऑलरेडी मेरे को पता है क्या होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ने रीड करने के बाद आप सेव कर दें। जैसे ही सेव कर दोगे तो 1 से 2 घंटे में आपका जो क्लेम है वो रिमूव हो जाएगा और आपके वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके